जी, तो आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक की फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम अप्लाई करेंगे। थ्री डिफरेंट मेथड हम यूज करेंगे। एक तो हमारे पास एक्सेल में है मैनुअल मेथड फॉर्मुलेशन, यानी फॉर्मूला के थ्रू हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड भी एक्सेल में ही है, एक डेटा एनालिसिस को यूज करके हम इसको डिस्क्रिप्टिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव एसपीएसएस प्रोग्राम टू फाइंड आउट द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक। लेट्स बिगिन। पहले तो आ जाते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक आर ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव कोफिशिएंट्स दैट समराइज अ गिवन डेटा सेट व्हिच कैन बी ईदर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर और अ सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक आर ब्रोकन डाउन एंड टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर क्या है? इसमें हम जिस तरह हमने स्टेटिस्टिक में पढ़ा हुआ है कि मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड वगैरह हो गया, ये सारे सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम मेजर करते हैं वेरिएबिलिटी को, वेरिएबिलिटी में क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है और उसके साथ वेरियंस वगैरह, ये वेरिएबिलिटी यानी वेरियंस फाइंड करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में हम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसके अलावा कर्टोसिस है और स्क्यूनेस है, ठीक है। और आसानी के लिए मैंने इधर ये सब पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक, ये वाले मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, जो कि आज हम करेंगे प्रैक्टिकली। तो आए एक्सेल शीट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पहले से कुछ डेटा फीड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये मैनेजमेंट के लिहाज से है, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, जॉब सेटिस्फेक्शन 1, जॉब सेटिस्फेक्शन 2 एंड अप टू 6 हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं। तो इनके हमने क्या निकालने हैं? पहला काम तो करना है हमने कंप्यूट करना है किसको, एवरेज को, ठीक है। अब एवरेज किस तरह निकालेंगे, इसका मेथड मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो फार्मूला टैब है वहां पे इक्वल साइन आप प्रेस करें और लिख दें, एवरेज टाइप कर लें, ठीक है, ए वी, ये नीचे आ गया एवरेज, इस पे ओके, सॉरी, एवरेज, ब्रैकेट ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी ये रो कहाँ से स्टार्ट हुई है अगर हम इसको देखें तो, यहाँ पे हमारे पास है ये ए जो है 2 रो से स्टार्ट है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर हम फीड करेंगे ए 2 और डबल डॉट, फिर कहाँ तक जाएगी ये ए 51 तक, ब्रैकेट क्लोज कर लें, ओके कर दें, ये इस जगह पे करना था, ठीक है, दोबारा कर देता हूं, इक्वल एवरेज, एवरेज ए 2 डबल डॉट ए 51 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको डिलीट कर दें क्योंकि इस कॉलम में हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। अच्छा, जब आपके पास एक एवरेज वैल्यू आ गई, एक फार्मूला आपने यूज कर लिया, तो सबके लिए फिर दोबारा यूज ना करें, इसी को पकड़ कर आगे तक ले आए जे एस 6 तक, ठीक है। तो तमाम एवरेजेस आपकी निकल आई, यानी मीन निकल आया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ आते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने क्या करना होता है, यहाँ पे उसी तरह इक्वल साइन एस टी डी, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, नीचे ये वाला, ठीक है, यहां पर भी उसी तरह हमने लिखना है ए 2 डबल डॉट ए 51 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। इसको भी आगे तक बढ़ा दें, सबके स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास आ गए।
अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल साइन एम आई एन मिनिमम, ये फंक्शन हमने यूज करना है। यहाँ पर भी ए टू डबल डॉट ए 52, ओके नो 51, सॉरी 51, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू ठीक है वो 21 है इस इन तमाम डाटा में, ठीक है जो ए कॉलम में पड़े हुए हैं। इसी तरह इसको भी आप फर्दर एक्सटेंड कर दें तो तमाम की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है मैक्सिमम लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करेंगे एम ए एक्स मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर भी ए टू डबल डॉट ए 51 ब्रैकेट क्लोज इंटर, ठीक, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इस रेंज में जो ए कॉलम है इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 45 है। इसको भी एक्सटेंड कर दें तो तमाम की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया फार्मूला के थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ एक्सेल में ही, ठीक है, जो कि निहायत सिंपल है। आप चले जाएंगे डेटा में, डेटा एनालिसिस में आ जाएंगे, ठीक है। डेटा एनालिसिस में आके आपने इधर देखना है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक, ये रहा, इसको ओके कर दें। यहाँ पे देखें तो इनपुट रेंज, आपकी इनपुट रेंज क्या है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके कर दें और वेरिएबल नेम के साथ ले लें, ठीक है, इस पर मैं फिर बाद में समझाता हूँ। वेरिएबल नेम साथ लें तो आसानी होगी और एंड तक आ जाएं 51 तक, ठीक है। यहाँ पे दोबारा ओके कर दें, यहाँ देखें तो लेबल लिखा होगा, फर्स्ट रो में लेबल आए, तो क्योंकि हमने ये देखें इधर ऊपर जो वेरिएबल नेम थे उसको भी सेलेक्ट किया था, जब सेलेक्ट करें तो ये लेबल फर्स्ट रो टिक करें, अगर वेरिएबल को सेलेक्ट ना करें तो फिर इसको टिक मार्क ना करें। अच्छा, आउटपुट रेंज मतलब आप रिजल्ट कहाँ चाहते हैं, तो मैं इधर नीचे ही इसके सामने रिजल्ट ले आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट में आप क्या क्या चाहते हैं, समरी स्टेटिस्टिक ले लें, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी ले सकते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू भी ले सकते हैं और ओके कर दें। आउटपुट रेंज मिसिंग है, अच्छा दोबारा कर लेंगे, ये दोबारा ले लेंगे, ठीक है, ओके कर लें। आउटपुट रेंज की तरफ आ जाते हैं, यहाँ आउटपुट रेंज में कर देता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, और ओके कर दें। ये देखें, यहाँ पे देखें एज को देखें तो यहाँ पे एज का जो मीन यानी एवरेज निकला हुआ है वो क्या है 30.76, और यहाँ पर भी देखें 30.76 है। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए तो ये 5.4, यहाँ पर भी 5.4 है। इसके अलावा आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो कि मिनिमम है 21 और 45, इसी तरह ये भी 21 और 45 है, ठीक है। इसके अलावा कार्टोसिस, स्क्यूनेस, मतलब इसमें कंप्लीट आपको निकाल के दे देते हैं डेटा, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक निकालने का दूसरा मेथड था एक्सेल में। अब आ जाते हैं एसपीएसएस में, ठीक है, तो एसपीएसएस में डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक निकालने का तरीका कुछ यूं है कि हम आ जाएंगे पहले, अच्छा यहाँ पे आ जाएंगे एनालिसिस में, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए एज का भी चाहिए, ये भी राइट साइड पे ले आए, एजुकेशन भी ले आए, एक्सपीरियंस भी ले आए और इन तमाम वेरिएबल्स का भी चाहिए तो 6 तक चले जाएं, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें तो तब भी उधर चला जाता है, ठीक है, इसको छोड़ दें क्योंकि इसका जो कॉलम है वो फिलहाल हमने पुटिंग नहीं की, ठीक है, ये बाद में करेंगे।
तो यहाँ पे देखें ऑप्शन में चले जाएं तो यहाँ पर भी ऑप्शन में स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मीन चाहिए, सम चाहिए, टिक कर दें, नहीं चाहिए ना करें, कट ऑफ से स्क्यूनेस जो जो चाहिए उस पर टिक कर दें, ठीक है, कंटिन्यू कर लेंगे, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास ये रहा जी, देखें उधर भी हमारे पास जो मीन था वो यही था, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ पर भी ये टेबल आ गया। जस्ट इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है, और वर्ड में पेस्ट कर लें, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक फाइंड आउट करने के तीन मुख्तलिफ तरीके, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मीडियन, मोड, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।